नमस्कार दोस्तों, मैं हूं यूसुफ अली, आप देख रहे हैं सैफ न्यूज लाइव। आइए देखते हैं आज की खास खबर। मुंबई बड़ौदा एक्सप्रेसवे के लिए अधिग्रहण की जा रही जमीन के मुआवजे में बाहरी दलालों एवं महसूल कर्मियों द्वारा किसानों के साथ लूट किए जाने का लगा आरोप। मुंबई वडोदरा प्रस्तावित एट लेन एक्सप्रेस वे हेतु पालघर जिला अंतर्गत आवश्यक जमीन का अधिग्रहण युद्ध स्तर पर शुरू है। इस एक्सप्रेस वे में पालघर जिले से लगभग 78 किलोमीटर क्षेत्र समाहित है, जिस क्षेत्र में कुल 901 हेक्टर जमीन का अधिग्रहण किया जाना है। इस जमीन अंतर्गत 51 गाँव के प्रभावित किसानों को अपनी जमीन के बदले दिए जाने वाले मुआवजे की प्रक्रिया हेतु पालघर एवं ढहाणू के प्रांत कार्यालय में बड़ी संख्या में भीड़ जमा होने के चलते मुआवजे की प्रक्रिया के लिए गरीब एवं अशिक्षित जमीन मालिकों की अज्ञानता का फायदा उठाकर अधिग्रहित जमीन का मुआवजा दिलवाने मंडल अधिकारी व तलाटी के साथ दलालों की टोलियों के सक्रिय होने का आरोप स्थानिकों द्वारा लगाया जा रहा है। सूत्रों की माने तो इन दलाल में राजनीतिक पार्टी के स्थानिक पदाधिकारी वहीं आदिवासी संगठन के कार्यकर्ताओं का भी समावेश दिखाई दे रहा है। डहाणू तहसील के दाभोण गट क्रमांक 190 की 36,246 चौरस मीटर एवं गट क्रमांक 191 की 825 चौरस मीटर जमीन का अधिग्रहण होना है, जिसके लिए कुल 6,99,55,446 रुपये मुआवजे के बदले चार परिवारों के कब्जे की जमीन है तो इन परिवारों को सिर्फ 56 लाख मुआवजा ही मिल पाया। वहीं इस जमीन से किसी तरह का संबंध नहीं होने के बावजूद बाकी का 6,43,00,000 रुपया उन दूसरे खातेदारों में बांट दिया गया, जिससे जमीन के असली मालिक के साथ बड़ा अन्याय एवं लूट हुई, ऐसा गंभीर आरोप किसान लगा रहे हैं। इस मामले पर एक पीड़ित किसान लक्ष्मण पवार का बयान भी सामने आया है। अब पालघर जिलाधिकारी को चाहिए कि इस मामले की उच्च स्तरीय जांच करवाते हुए मामले का खुलासा करें एवं दोषियों पर सख्त कार्रवाई करते हुए गरीब किसान को न्याय दिलवाए, ताकि आम जनता के मन में जिला प्रशासन की खराब हो चुकी छवि स्वच्छ हो सके। वहीं प्रशासन को दागदार करने वाले बाहरी दलालों से छुटकारा मिल सके। ब्यूरो रिपोर्ट, सैफ न्यूज लाइव। दो नामे बारे दो जन मामे दाभोन लक्ष्मण पवार आम्हे टेलाटेकर 17 फेऱ्या मारले फेरे टेलाटी काय म्हणतो का आमची नावं लावणी तो म्हणते मोते लागला सांगाय ना भासरीला कायची नावं घे त्यांना जेलमध्ये पाठवून दे। तर मी काय आम्ही बोलू का आम्ही जेलमध्ये कशा जाऊ, आमचे शुद्ध मालक आहो, आम्ही खास वारीस आहो, तरी पण यो नावा नाही लागले। बहण्याशी काशीरामनेंना त्यांनी नावं लावून तो पैसा होतवला, तर तसा करता आम्ही सांगा तर जमीन पण गेली हवे ना आमचा पैसा बी गेला, आम्ही काय विचार करायचा आता कसा काय आम्ही करू काय। साहेब लोकांना सांगा का आमचा पैसा तर गेला, जमीन बी गेली, आम्ही करणार काय, तर आम्ही विचार करू का कोणीतरी मायबाप हवा याचा आम्हाला बंदोबस्त करावी, हा पैसा मिळवून देवा, त्याला प्रयत्न हात जोडून आम्ही प्रयत्न करतो, आशीर्वाद त्यांना देऊन शकतो। आज जेव्हा आम्ही तर जमीन गेली, बाप दादापासून वडिलापासून हप्ता भरला, हा खंड भरला, त्या खंडापासून जमीन आम्ही ताब्यात आहे। आज आम्ही हप्ता भरला तो पैसा कोर्तान टाकला, ते सेठ लोकांना काय सांगितलं तथासे पैसा काढून घेऊन घेऊन द्यावा, तर उलट आमची जमिनीचा पैसा विक्री करून ते येऊन त्या आम्ही विक्री लोकांना शेपाटने घेतला, तरी ती जमीन सोडवली, ती जमीन आमच्या ताब्यात आहे। अजून जे त्यांनी पैसा घेऊन आम्ही जमिनीचा घेता असून तरी अजून जी आमची रक्कम त्यांनी हुतून घेऊन गेला। तेवढे जो मगल्या जिया म्हस्कर यांनी पैसा उचलला, गोविंद आमची कुटबाला त्याला नोटीस होता, देवजी गुजरा नोटीस होता, हिऱ्या पासून हिऱ्या केसाला नोटीस होता, वेंडा टाकल्यासुद्धा नोटीस होता, तरी आमच्या वडिलाची जमीन जास्ती होती वर्कस जागा म्हणून त्याचा पैसा जास्ती त्याच्यावर आम्ही धार टाकली, तो पैसा काढून हुकून घेऊन गेलं। आम्ही आता वक्तार काय करू, तसा असला तर आता करणार काय, कोणातरी साहेब लोकांना तरी आपण धरू विचार करू तो कोणीतरी पैसा मिळून आम्हाला देवा, नेहमी तर हवे तर आम्ही धान मरून जायचे वारे आले आमचे साहेब, विदा परत ना काय आम्ही करू, सगळं हिंडून फिरून आम्ही वैता कोण गेलो, हिंडायला लागलं तर का पैशाचा हिंडायचा काय, निस्ता कोणी काम करणार आहे, कोणा खिंडू आम्ही आखात हिंडून हिंडून आम्ही थकलो आता, त्यामुळे आता कोणीतरी देवा परमेश्वरा विसरात देवा कोणीतरी जो पैसा आम्हाला मिळवून देवा, नाही पैसा दिला तर त्यांची जमीन आमच्या ताब्यात करून देण्या हवी असावी, एवढाच आता परत ना बोलू मी याच्यावर काय बोलू, हात जोडून। हमारे चैनल सैफ न्यूज लाइव पे अपने व्यापार एवं सेवा से संबंधित विज्ञापन हेतु मोबाइल नंबर 7385952786 अथवा 7738267786 पर संपर्क करें।